हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक टिप्स डीएमएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नीमू लैब प्लस टैबलेट के बारे में कि नीमू लैब प्लस टैबलेट क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसका मार्केट प्राइस क्या है और डोजेस क्या होती हैं इसकी। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि लास्ट में अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि नीमू लैब प्लस टैबलेट के सबसे पहले कंपोजिशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें नीमू स्लाइड एंड पैरासीटामोल होता है। नीमू स्लाइड जो उसमें 100 mg होता है और पैरासीटामोल 325 mg होता है। इसमें 100 mg में है और पैरासीटामोल की जो मात्रा इसमें दी है 325 mg में है। दोस्तों, ये डबल कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है और इसका जो बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जिन लोगों को किसी भी प्रकार का बॉडी में पेन होता है, जैसे मास्कुलर पेन, अर्थराइटिस पेन या गाउट पेन, या फिर ऐसे मान लीजिए कि जोड़ों में किसी प्रकार का आपके दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर आपको फीवर आ रखा है और फीवर के साथ साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि अगर आप नीमू लैब टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी को पेन को दूर करेगा, प्लस आपको फीवर उतारने में काफ़ी कारगर होती है। अब बात करते हैं किसी प्रकार की अगर हड्डियों में दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो हड्डियों के दर्द में भी काफ़ी राहत दिलाता है, या फिर बैक पेन वगैरह हो तो ऐसी कंडीशंस में अगर आप यूज़ करें उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है, या फिर आपका हेडेक पेन, किसी प्रकार का आपके माथे में वगैरह दर्द है, सर में दर्द है, या फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आता है, दर्द के साथ फीवर आ रहा है, तो ऐसे में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, इसको किस कंपनी ने बनाया है, यानी कि हेल्प लैब कंपनी ने इसको तैयार किया गया है, जो कि हेल्प लैब यानी कि हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यानी कि इसको बनाया, इस कंपनी ने इसको तैयार किया गया है, जो कि GMP साइड इफेक्ट टैबलेट होती है। अब बात करेंगे कि इसका जो मार्केट प्राइस है 54 rupees है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इसको परचेज़ कर सकते हो, आपके मेडिकल पर डिपेंड करता है, मेडिकल वाले स्टोर से आपके डिपेंड करता है कि आपको कितने परसेंट आपको छूट दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोसेज की। तो सबसे पहले डोसेज की मैं आपको बताऊँगा कि नॉट टू बी यूज फॉर द चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर एज, यानी कि 12 साल से नीचे बच्चे को आप इसको इस्तेमाल नहीं करा सकते हैं, ये काफ़ी डेंजरस हो सकती है। दूसरी बात यह है कि एडल्ट के लिए डोज में आपको इसको सुबह शाम एक एक टैबलेट ले सकते हैं। TDS में भी आप इसको ले सकते हैं, दिन में 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी कोई दवा आप YouTube से संबंधित आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले किसी डॉक्टर की सलाह लें, बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप YouTube से संबंधित किसी दवा का इस्तेमाल ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो दोस्तों, साइड इफेक्ट क्या होते हैं कि किसी को किसी दवा से अगर कोई एलर्जी है, मान लीजिए अगर आपको पैरासीटामोल से एलर्जी है, तो ऐसी कंडीशंस में आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये एलोपैथिक दवाइयाँ हैं दोस्तों। इसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप इस दवा को यूज़ करते, कॉमनली जो साइड इफेक्ट होता है क्या होता है कि आपको गैस, एसिडिटी बन सकती है, उल्टी जैसा मन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि आपको चाहिए कि किसी डॉक्टर से परामर्श लें, बिना किसी डॉक्टर की सहायता से आप YouTube से संबंधित दवा का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।